गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत बेहतर होंगे। सो मैं आपकी प्रियंका मैम एक बार फिर से हाजिर हूँ सीटेट पेपर 1 जुलाई 2019। और आज जो हम पेपर डिस्कस करेंगे वो लैंग्वेज भी हमारी फर्स्ट रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का सावल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप सबको जैसे पता ही है कि मैं लैंग्वेज जो है वो हमारी मेरी हिंदी है, और मैं हिंदी में आपकी जो पैडालॉजी आती है 30 मार्क्स की वो डिस्कस करती हूँ। तो आप सभी जल्दी से रेडी हो जाइए ताकि हम हमारे पेपर को जो है वो डिस्कस कर सके। एक बार मैं फिर से आपसे बता दूँ कि आज जो हम करने वाले हैं पेपर डिस्कस वो जुलाई 2019 में, और पेपर फर्स्ट की लैंग्वेज भी फर्स्ट ही रहेगी। सो स्टूडेंट्स, आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपने करना सिर्फ इतना है, अपना नाम लिखना है, सीटेट लिख मेंशन करिए और अपनी स्टेट बता दीजिए कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। और आपकी स्क्रीन पर जो दो ये नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपके दिखाई दे रहे होंगे आपको, 95517001 में 95517001, आप इन नंबर्स में से किसी भी एक नंबर पर मैसेज कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप हमारे फ्री वाले व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाएंगे, ऐसी ही जैसी आज आप क्लास लगा रहे हो, ना जाने कितनी ही बेहतरीन क्लासेस का आप फायदा ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर ही आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जितनी भी पीडीएफ्स होते हैं वो सारी के सारे आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो आपने करना इतना है, टेलीग्राम पर जाइएगा और वहां पर कुछ इस तरह से सावल सी टेट लिख करके आपने क्या करना है, सर्च कर देना, और साथ के साथ ही आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वो खुल जाएगा और आपको जो है वो पीडीएफ्स मिल जाएंगे। तो इसको आपने जरूर जो है टेलीग्राम ग्रुप पर हमें ज्वाइन करना है। सो ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम क्या करते हैं, हमारे आज के पेपर को हम डिस्कस करते हैं। तो जल्दी से आप सभी जो है अपने पेपर को खोल लीजिए और चलिए मेरे साथ आप सभी जो है अपने पेपर को भी अच्छी तरीके से एक एक चीज को हम नोट करेंगे कि क्या कुछ आया है। तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था कि स्टूडेंट्स, मेरे पास जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पेपर फर्स्ट है, और मेरे पास जो सेट है पेपर का वो पी है, और आपको पता ही है लैंग्वेज भी फर्स्ट है। ठीक, तो महत्वपूर्ण सूचना हम देख लेते हैं कि क्या दी गई है, कि परीक्षार्थी यानी कि जो परीक्षा दे रहा है वो प्रश्न संख्या 91 से लेकर के यानी कि 120 तक के प्रश्नों का उत्तर तभी दे यदि उन्होंने भाषा फर्स्ट का विकल्प हिंदी चुना है, क्योंकि हो सकता है भाषा फर्स्ट का विकल्प अंग्रेजी भी हो सकता है ना, कोई अन्य भाषा भी हो सकती है। अगर आपने हिंदी को चयन किया है तो ही आप हिंदी को जो है पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, जल्दी से हम देख लेते हैं कि गद्यांश में क्या दिया गया है। तो निर्देश सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों को, यानी कि प्रश्न कितने हैं, 91 से लेकर के 99 तक के हैं, सबसे उपयुक्त वाले उत्तर विकल्प हमने चुनने हैं। तो देख लेते हैं, सबसे पहले देखो, जब आपको गद्यांश दिया गया है तो हमारा एक करने का एक तरीका होता है कि जब आप गद्यांश में से प्रश्न करते हो और प्रश्न भी थोड़े नहीं है, 91 से लेकर के 99 तक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गद्यांश जो दिया है इसको हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो पहले हम इसको एक सरसरी सी नजर मार लेते हैं, सरसरी सी यानी कि फटाफट हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, पढ़ेंगे जल्दी लेकिन पढ़ेंगे अच्छे से। मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नग्न समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा सुश्रषा और का तथा सत्कार करता है। ये कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप में इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे, हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी मित्र बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर्मन में एक विचार उठता है कि क्यों ना हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। ठीक है, आगे देखिएगा और क्या दिया गया है। सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं, अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। अनुपम मनुष्य जीवन को सदगति प्रदान करने के लिए यह विचार नया नहीं है, ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर मन में सदा उठते रहे हैं तथा इन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो गए हैं। इसी धारा पर स्थायी रूप से
ठीक है, इसी धरा पर स्थायी रूप में नहीं रहने पर भी ऐसे परहितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। अमूल्य मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है कि यह सीख मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धशाली हो सकता है। यानी कि अगर हम अपनी सेवक वृत्ति को अपनाते हैं और किसी की सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं, यदि हम इस प्रकार मानव जीवन उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वर्गिक विस्तार ग्रहण कर लेगा। स्वर्गिक यानी कि स्वर्ग की बात है। किसी भी मानव को आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना ही है। देखो हर एक धर्म क्या कहता है, अच्छे कर्म करने को कहता है। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि बुरे कर्म करो, लेकिन हमने ही धर्म को तोड़ मरोड़ कर परोसा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के हम प्रश्नों को हल करते हैं जो गद्यांश में से दिए गए हैं। हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम परहित और परोपकार करें, निस्वार्थ भाव से परोपकार करें, पर सेवा के लिए सबको प्रेरित करें, सेवक प्रवृत्ति का प्रचार प्रसार करें। तो देखो आप सभी समझदार हैं, तो हमारा दूसरा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम निस्वार्थ भाव से बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का उपकार करें, दूसरे की भलाई का कार्य करें। हाँ जी, दूसरा प्रश्न देखिएगा, धर्म के आचरण का उद्देश्य है। तो धर्म के आचरण का क्या उद्देश्य है? कर्म पर आस्था रखना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान करना, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। तो देखो भाई ये क्या कहता है, तो धर्म हमारा हमें यही सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश चारों तरफ जो है वो अपना फैलाना चाहिए। हाँ जी, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर मन में सदा उठते रहे हैं। ठीक, अनुच्छेद में प्रयुक्त उपयुक्त अशुद्ध वाक्य को चार, ठीक, ये जो चार है, 1, 2, 3 और 4, ठीक, तो यही दिया गया है कि अनुच्छेद में प्रयुक्त उपयुक्त अशुद्ध वाक्य को चार भागों में बांट दिया गया है, जिनमें एक भाग पहचानिए जिसमें अशुद्धि हो। तो एक भाग हमने पहचानना है जिसमें अशुद्धि है, तो वो कौन सा है? ख, यानी कि दूसरा रहेगा। ठीक है, ख भाग क्यों रहेगा? देखो 93 का 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? सज्जन मनुष्यों के। ठीक है, हाँ जी, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक सेकंड स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए 94 देखिएगा, अगला 94 में है, शेष शब्दों से भिन्न शब्द पहचानिए, सद्गुण सद्गति सत्कर्म सत्यवादी। तो देखो तीन जो है वो एक जैसे दिए गए हैं, सद्गुण सद्गति और सत्कर्म, ये तीनों चीजें जो है वो तीनों जो दिए गए हैं, और लेकिन सत्यवादी जो है वो बिल्कुल इसमें अलग है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाँ जी, अगला देखिएगा स्टूडेंट्स, 95, निस्वार्थ शब्द उपयुक्त विपरीतार्थी, यानी कि विपरीत विलोम शब्द आपको पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स जब आप करेंगे क्लास में इसकी तैयारी, तो जितने भी आपकी जो ग्रामर आती है, जो व्याकरण पूछा जाता है, ये व्याकरण ही है। निस्वार्थ का आपको विपरीत जो है वो पूछा गया है, विपरीतार्थी शब्द है, तो आपने बताना है कि उपयुक्त कौन सा है। तो ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको क्लास में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से कराई जाती है। तो जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ने की कोशिश करें ताकि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। देखो निस्वार्थ, निस्वार्थी, स्वार्थी, परार्थी, परोपकारी, तो हमने चुनना कौन सा है, इसका ऑपोजिट, ऑपोजिट चुनना है। निस्वार्थ का मतलब क्या होता है, बिना स्वार्थ के, और निस्वार्थी जिसका कोई स्वार्थ ना हो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्वार्थी, ठीक, जिसका स्वार्थ छिपा होता है। तो 95 के बाद 96 प्रश्न देख लीजिए, आगे क्या दिया गया है। हाँ जी, पाठ्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता, ठीक, ये जो आध्यात्मिकता शब्द है किन उपसर्ग और प्रत्ययों से बना है? इसमें उपसर्ग भी लगा हुआ है और प्रत्यय भी लगा हुआ है। आपको पता ही होगा कि उपसर्ग जो है वो शब्द के आगे लगता है, ठीक, और प्रत्यय जो है वो पीछे लगता है। तो हमने देखना है कि क्या है, तो अधि एक प्लसता है, अधिकता है, आधिकता है, आइकता है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट हो जाएगा हमारा राइट, यानी कि अधिकता
अधि जो है इसमें क्या लगा हुआ, उपसर्ग लगा है, इक जो है वो और ता जो है वो प्रत्यय लगा हुआ है। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हाँ जी, 97 स्टूडेंट्स प्रश्न देखते हैं कि 97वां जो प्रश्न है वो क्या दिया गया है कि ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो, तो कौन से लोग जो है वो सदा पूजे जाते रहेंगे। हाँ जी, हमने आंसर करना है कि ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे, अमूल्य मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक रहेंगे, सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करेंगे, परहित यानी कि दूसरों का कल्याण, दूसरों की भलाई, ठीक है, दूसरों का भला करना, धरती पर स्थायी रूप से नहीं रहेंगे, तो धरती पर स्थायी रूप से कौन रहने वाला है, कोई नहीं रहने वाला है, आनंदमय जीवन जीते रहे। तो हमारे लिए आंसर जो है वो हमारा सेकंड जो है वो राइट हो जाएगा, सेवक वृत्ति अपना करके क्या करेंगे, परहित यानी कि दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। हाँ जी, 98 प्रश्न देखिएगा, कठोर सत्य किसे कहा गया है, निकट संबंधियों का अस्थाई प्रेम, भौतिक संसार की तुच्छता, भौतिक शरीर की नश्वरता, भावनाओं पर नियंत्रण ना कर पाना। तो भौतिक यानी कि कठोर सत्य हमने बताना है कि क्या रहा है। तो 98 का प्रश्न जो आप सबको पता ही हो गया होगा कि भौतिक शरीर की नश्वरता जो है ये क्या है, कठोर सत्य है, जो हमारा ये शरीर है ये नश्वर है, नष्ट हो जाएगा। हाँ जी, 99 प्रश्न देखिएगा, निर्मल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है। तो निर्बल ठीक भावनाओं पर अगर हमने विजय पानी है तो इसके लिए किस चीज की आवश्यकता बताई गई है, ऐसी भावनाओं को मन में ना आने देना, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना, सदा सदा के लिए अमर हो जाना, विजय पाने के लिए योजना बनाना। तो 99 का आंसर क्या होना चाहिए भाई, अच्छे कर्म करो और सदा के लिए अपना नाम जो है वो अमर कर लीजिए। देखो, अमर होने का एक ही एक साधन हो सकता है और वो ये है कि आप अच्छे कर्म करें, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्या दिया हुआ है, इसको हम पढ़ लेते हैं। हाँ जी, एक सेकंड स्टूडेंट्स, ओके। तो गद्यांश जो है वो स्टूडेंट्स अगला आपको दिया गया है, तो देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित काव्यांश, काव्यांश यानी गद्यांश वही है, पद्यांश, पढ़कर पूछे गए प्रश्न 100 से लेकर के 105 यानी कि कुल 5 प्रश्न इसमें से हैं, सबसे उपयुक्त वाले उत्तर यानी कि विकल्प को हमने चुनना है। तो सबसे पहले हम पोइट्री को समझ लेते हैं कि पोइट्री में दिया क्या गया है, विविध प्रांत हैं अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। कवि क्या कहता है कि माना कि हमारे यहाँ पर क्या है, विविध प्रांत, भिन्न भिन्न प्रांत हैं, विविध यानी कि अलग अलग, भिन्न भिन्न, ठीक, भिन्न भिन्न की बात कर रहा है कि भिन्न भिन्न माना कि हमारे पास क्या है, प्रांत हैं अपनी भाषा के, और सबकी क्या है, अपनी अपनी भाषा है, भिन्न भिन्न प्रांत के साथ साथ क्या है, अपनी अपनी भाषा है, भाषा के, और हमें क्या है उस पर गर्व है, अभिमान है, गर्व भी कौन सा, अच्छा वाला, ठीक। हाँ जी, पर इन सब से, लेकिन हम चाहे अलग अलग प्रांतों में रहते हैं, हमारी भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन दुनिया वालों के सामने हम सबसे पहले क्या हैं, हिंदुस्तानी हैं, हमारी पहचान क्या है, हिंदुस्तान है। रहन सहन में, खान पान में भिन्न भले ही कितने, इस मिट्टी को देते आए मिलजुल कर कुर्बानी हम। हम रहने सहने में, खाने पीने में चाहे कितने भी अलग दिखते हो, लेकिन आज तक का अगर आप इतिहास देखेंगे तो इस मिट्टी के लिए, इस भारत माता की मिट्टी के लिए हम क्या करते आए हैं, अपनी कुर्बानी जो है वो मिलजुल कर देते आए, यानी कि जब जरूरत पड़ी है भारत माता को तो हम सभी एक साथ जो है वो मिल करके लड़ते आए हैं मुसीबतों का सामना। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तले, पद यानी कि पैरों तले, यानी कि कहते हैं कि आप इतिहास गवाह है, ना जाने कितने तूफान आए हैं जिनको हमने अपने पैरों तले रौंद दिया है, कुचल दिया है, आज झुके कुछ टकरा कर तो कल लगते फिर जागे से। कई बार क्या होता है कि देखो, एक दिन हो सकता है कि हम थोड़े से ठंडे पड़ गए हों, थोड़े से हम टकरा करके थोड़े से झुक गए हों, लेकिन अगला जब सूरज उगा है तो फिर से हम उसी जो है
स्फूर्ति के साथ, उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ हम फिर से दोबारा जो है वो टक्कर लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई देता है, कहते माना कि अंडमान निकोबार से कश्मीर की जो दूरी है दिखने में बहुत ज्यादा दिखाई देती है। हर प्रांत जुड़ा है अपना अनगिनत कोमल धागों से, वो दिखने में ही दूरी है लेकिन मन से सारे आपस में जुड़े हुए हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, जिस ओर पढ़ाई पग हमने हो गई उधर भू नव मंगल। जिस ओर भी हम क्या करते हैं अपने कदम को बढ़ा लेते हैं उधर क्या हो जाते हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो जाती है। आजाद वतन के बशिंदे, हम आजाद वतन के यानी कि स्वतंत्र भारत के रहने वाले हैं। हर चरण हमारा बादल, ठीक। तो याद रखिएगा इनको हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है, पढ़ लिया। चलिए अब हम इसके प्रश्न करते हैं 100 से 105 तक, यानी एक पांच प्रश्न जो है वो कुल इसमें से पद्यांश में से पूछे गए। एक चीज स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब आप पद्यांश में से यानी कि कविता में से जो आते हैं तो वहां पर सारे के सारे कविता भाग से जो प्रश्न बनते हैं वो भावपूर्ण प्रश्न ज्यादा होते हैं, भाव से जुड़े हुए ज्यादा होते हैं। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें। चलिए, समाज की दृष्टि से शेष भिन्न पद है तो अपनी अपनी रहन सहन, खान पान, मिलना जुलना, ये तीनों अलग हैं लेकिन अपनी अपनी जो है ये बिल्कुल ही अलग है। हाँ जी, आगे देखिएगा 101 प्रश्न। सदियों से कुचले लाखों तूफान, हमने पद तले से कथन में तूफान का भाव है, आंधियां कठिनाइयां आक्रमण लड़ाइयां, तो नो डाउट इसमें तो बिल्कुल क्लियर आ रहा है कठिनाइयां, क्योंकि सदियों से हम क्या चलते आ रहे हैं, कठिनाइयों का सामना करते आ रहे हैं। तो दूसरा हमारा जो आंसर है जो सही हो जाएगा। हाँ जी, 102 प्रश्न देखिएगा क्या है, एक सेकेंड स्टूडेंट इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। हाँ जी, अंडमान से कश्मीर है भारत में, निकट राज्य दूरस्थ है बलिदानी राज्य है क्रांतिकारी। तो देखो अभी अभी हम पढ़कर गए हैं भाई, दूर है दूरस्थ राज्य है, तो हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आंसर। हाँ जी, 103 प्रश्न देखिएगा, हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहां क्रांति हो जाती है, शांति हो जाती है, देश स्वतंत्र हो जाते हैं, शुभ कार्य होते हैं। अरे भाई शुभ कार्य होने लग जाते हैं, हमने बोला पढ़ा नहीं था कि ये देखिए सामने ही आपके दिया हुआ है कि जिस ओर बढ़ाए कदम हमने उस हो गई भू उधर नव मंगल, यानी कि खुशियां जो है शुभ कार्य जो है वो होने लग जाते हैं। हाँ जी, 104 प्रश्न देखिएगा, पै शब्द क्या दिया गया है, पै समानार्थी। समानार्थी किसको बोला जाता है, पर्यायवाची शब्द को, जो एक जैसे ही जिनके अर्थ होते एक जैसे ही होते हैं। मान लीजिए कपड़े को और किन किन नामों से जाना जाता है ना, तो वो सारे क्या हो जाते हैं, समानार्थी पर्यायवाची भी बोल दिया जाता है। नब पग पद चरण, तो देखो पग भी बोला जाता है, पद भी बोला जाता है, चरण भी बोला जाता है, लेकिन नब जो है वो नहीं बोला जाता है, याद रखिएगा। हाँ जी, 105 यानी कि जो आपको पद्यांश दिया गया था उसमें से आखिरी प्रश्न, कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं, क्योंकि सबसे पहले हम क्या हैं भाई, तो हमने पढ़ी है कविता को अच्छी तरीके से, उसको समझा था, तो हमारे लिए इसका आंसर देना आसान हो जाएगा। तो बात क्या की गई है वो जरूर समझ रखिएगा कि कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं, तो क्योंकि सबसे पहले हम क्या हैं, स्वाभिमानी हैं, भारतीय हैं, वीर बहादुर हैं। अरे भाई सबसे पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद हम स्वाभिमानी और वीर बहादुर तो है ही, स्वतंत्र भी है, लेकिन हमारी पहचान क्या है, हम एक हिंदुस्तानी हैं, हम एक भारतीय हैं, ये सबसे पहले जो है वो हमारे लिए गुरूर की बात है, यानी कि गर्व की बात है। सो स्टूडेंट सावल क्लासेस की ओर से जो है वो पेड ग्रुप चल रहे हैं, आप पेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो पेड ग्रुप्स में स्टूडेंट्स मैं आपको छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि पेपर फर्स्ट यानी कि ईटीटी, पेपर सेकंड एसएसटी और मैथ साइंस की अलग से बैचेस चल रहे हैं, लिमिटेड सीट्स हैं हमारे पास, तो जल्दी से जल्दी स्टूडेंट्स आप इसमें जुड़े और अपनी अच्छी बेहतर तैयारी करें, क्योंकि देखिए रास्ते आपके तभी खुलते हैं जब आप अपना कदम उठाते हैं, जब आप कदम बढ़ाओगे तो ही आपका कुछ हो सकता है, ऐसे नहीं। तो जल्दी से जल्दी जुड़े स्टूडेंट्स, और आपके स्क्रीन पर जो ये नंबर शो हो रहा है आप इन नंबर्स पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, अपने पेड ग्रुप से रिगार्डिंग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए है तो आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके जो है वो ले सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं, अगले देखते हैं आपकी जो पैरालॉजी में से जो प्रश्न आए हुए हैं। हाँ जी, अब क्या दिया गया है,
निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन करना है हमने कि सबसे उचित जो विकल्प है वो क्या है। चलिए देख लेते हैं इनको भी। हाँ जी, 106, बच्चे सामाजिक अंतरक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? तो हाँ जी, हमने बताना है कि बच्चे जो है सामाजिक अंतरक्रिया से भाषा जो सीखते हैं, यह विचार जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो चलिए देख लेते हैं, वाइगोत्स्की का है, जीन पियाजे का है, स्किनर का है या पावलोव का है। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर आपने इसको पढ़ा है अच्छी तरीके से, है ना, इसको समझा है, तो ही आप जो है वो इसका आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो स्टूडेंट्स, जब आप क्लास में आएंगे तो आपको वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, स्किनर, पावलोव, है ना, ये सारी की सारी थ्योरीज जो है वो डिटेल में करवाई जाती हैं, तो वहां से आपके लिए आंसर देना है बहुत ही इजी हो जाता है। तो देखो, हमें पता है कि ये किसका है, वाइगोत्स्की का है भाई, ये जो है सामाजिक अंतरक्रिया की बात करते हैं, बाकी नहीं। हाँ जी, 107वां प्रश्न देख लेते हैं कि क्या है। प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो बात की जा रही है प्राथमिक स्तर के बच्चों की, और भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो देखिए, पाठ्य पुस्तक है, समाचार पत्र है, बाल साहित्य होगा या पत्रिका होगी, क्या होगा? तो 107 का प्रश्न जो है वो आपके अकॉर्डिंग, देखो प्राथमिक स्तर की अगर हम बात करें तो नो डाउट भाई बाल साहित्य ज्यादा है, क्योंकि बाल साहित्य जो है वो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, वो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। हाँ जी, 108 प्रश्न देख लेते हैं हम, क्या है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। तो बात को हमने समझना है, एक तरफ बात की जा रही है भाषा सीखने की और दूसरी तरफ भाषा अर्जित करने की बात की जा रही है, तो दोनों में मुख्य अंतर बताना है कि क्या है। 108 का, पाठ्य सामग्री है, भाषा प्रवेश है, भाषा आंकलन है, साक्षरता है। तो देखो स्टूडेंट्स, हम सबको पता है कि भाषा प्रवेश जो होता है, यही जो है वो क्या होता है, मुख्य अंतर में आ जाएगा। तो 108 का दूसरा जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, 109वां प्रश्न देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो स्टूडेंट, जल्दी से, जितना जल्दी हो सके, आप पेड ग्रुप्स में आए और जल्दी से जल्दी अपनी अच्छी और बेहतर तैयारी करें। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आंकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? तो बात देखो समझनी है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों की भाषा आंकलन आपने करना है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो आप किसे देंगे? हाँ जी, लिखित परीक्षा लेकर के, जांच सूची अपनाएंगे, प्रश्नावली या पोर्टफोलियो। तो स्टूडेंट्स देखो, ये होता क्या, लिखित परीक्षा कैसे होती है, जांच सूची, ये सारी चीजें हम क्लास में करेंगे। पोर्टफोलियो, इसमें क्या होता है कि सारी की सारी इंक्वायरी रहती है, जैसे बैंक्स वगैरह में आप सभी का पूरा डाटा रहता है, ऐसे स्टूडेंट्स का इसमें भी डाटा रहता है, तो पोर्टफोलियो को हम अपनाएंगे। हाँ जी, 110, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अक्षर ज्ञान, अर्थ, गति, प्रवाह, क्या है सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? तो देखो, 110 का आंसर करेंगे तो अर्थ जो है, अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको अर्थ की जो है अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं हम। 111वां प्रश्न देखिएगा, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो अगर आप बच्चों को लिखना सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? हाँ जी, विचारों की अभिव्यक्ति, सुंदर लेखन, वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक भाषा, तो आपके अकॉर्डिंग जो है वो क्या होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है ना। तो आपके अकॉर्डिंग जो है वो क्या होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। तो विचारों की अभिव्यक्ति भी जरूरी है, सुंदर लेखन, वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक भाषा, लेकिन जो सबसे उचित विकल्प है हमने वो चुनना है। तो सबसे अगर हम उचित देखें तो इसमें यही मिलता है कि विचारों की अभिव्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अगर बच्चा लिखना सिखाना है आपने, तो उसके लिए जरूरी है कि वो अपने विचारों की अच्छे से अभिव्यक्ति कर सके। हाँ जी, 112 देखिएगा, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? तो आपको एक ड्यूटी दी जाती है कि आपने प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उनके लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना है, तो आप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो किसे देंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसे देंगे?
कि प्रसिद्ध लेखक है, प्रसिद्ध रचनाएं हो, भाषा की विभिन्न रंगतें या भाषा का विविध गद्य साहित्य। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, तो 112 प्रश्न का जो आंसर क्या होना चाहिए, 3 जो है वो ज्यादा करेक्ट हो जाएगा। भाषा की विभिन्न रंगतों को हम चुनेंगे ताकि बच्चे जो है वो अच्छे से हर एक चीज की जानकारी, क्योंकि प्राथमिक स्तर की बात हो रही है यहाँ पर, किसी अन्य स्तर की बात नहीं हो रही, प्राथमिक स्तर की बात हो रही, तो प्राथमिक स्तर के लिए जरूरी है भाषा की विभिन्न रंगतें। एक मिनट स्टूडेंट्स, चलिए। हाँ जी, 113 देखिएगा प्रश्न, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को अस्वीकार किया जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए, अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, अनदेखा कर दिया जाना चाहिए। तो बहुभाषिक कक्षा में देखो, एक जब आप कक्षा में पढ़ाते हैं, टीच करते हैं, तो वहां पर अनेक जो है वो बच्चे आते हैं, कोई किसी भी स्टेट से हो सकता है, किसी के पेरेंट्स जो है वो मान लीजिए स्टेट, जैसे मान लो पंजाब है, पंजाब में ना जाने कितने स्टेट्स के लोग रहते हैं, हर एक स्टेट्स में ही रहते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, हर जगह पे ही देखने को मिलता है। तो वहां पर जो बच्चे हैं वो अपनी अपनी बहुभाषिक कक्षा हो जाती है ना, फिर वो मातृभाषा का वो प्रयोग करते, क्या इसको स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं। अरे भाई, स्वीकार किया जाना चाहिए, बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, ठीक। तो ये हमारे लिए बड़ी खतरनाक स्थिति बन जाएगी, उसको स्वीकार जरूर किया जाना चाहिए। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अभिभावकों का साक्षर होना, यानी कि पढ़ा लिखा होना। साक्षर होने का मतलब क्या होता है, शिक्षित होना, पढ़ा लिखा होना यानी कि शिक्षित होना, क्लियर। भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, भाषा का समृद्ध प्रवेश, संचार माध्यमों का प्रयोग। तो सबसे ज्यादा जो है वो क्या होगा, हाँ जी, तो भाई भाषा का समृद्ध प्रवेश जो है वो भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, तो याद रखिएगा। हाँ जी, अगला देखिएगा 115वां प्रश्न, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो जहां पर नकारात्मक प्रश्न आ जाता है, नहीं पर आ जाता है, तो उस क्वेश्चन को हमें दोबारा जरूर समझना चाहिए कि भाषा कौशल के संबंध में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो 3 चीजें हैं यहाँ पर, हाँ जी, भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम नजर मारें तो भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, करते हैं भी, भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं, भाषा कौशल एक क्रम में भी अर्जित नहीं किए जा सकते हैं, तो फिर बच्चा कौन, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित किए जाते हैं, ये जो है वो कथन सही नहीं है। 16वां, बच्चे के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो बच्चों के जो भाषा प्रयोग में होने वाली जो त्रुटियां हैं, त्रुटियां यानी कि गलतियां, त्रुटियां किसको बोला जाता है, गलतियां, ठीक। तो त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है, त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं, त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी। तो क्या है भाई 116 का, त्रुटियों का अगर हम उचित नहीं पूछा गया है यहाँ पर, ये भी ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछा क्या गया है। तो हमसे प्रश्न पूछा गया कि बच्चे के भाषा प्रयोग में होने वाली जो त्रुटियां हैं कथन में उचित नहीं है, तो क्या सही नहीं है भाई, त्रुटियों का अर्थ भाषा की अज्ञानता, ये सही नहीं है। 117 प्रश्न देख लेते हैं हम कि क्या है। हाँ जी स्टूडेंट्स, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आंकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। तो ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा, ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए। तो सर्वाधिक उपयोगी की बात की जा रही है कि बच्चे की अगर आपने भाषा आंकलन करना है, ठीक, तो जरूरी है भी भाषा, ईदगाह कहानी को अगर हम बच्चे को बोले कि अपनी भाषा में सुनाओ, तो यहाँ पर हम बहुत बेहतर तरीके से उसका आंकलन जो है वो कर सकते हैं। हाँ जी, 118वां प्रश्न देख लेते हैं कि बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता
अर्जित की जाती है, अनुकरणीय होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है, जन्मजात होती है। तो 118 का तो देखो स्टूडेंट्स, ये आप सबको पता होगा कि बच्चे में जो भाषा सीखने की जो क्षमता है वो जन्मजात होती है। तो हमारा यही आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। हाँ जी, 119वां प्रश्न देखिएगा कि क्या कहता है। बच्चे में भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? मानक वर्तनी, शुद्ध उच्चारण, बातचीत करना, सुंदर लिखना। तो क्या है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर आप बच्चे के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण की बात करते हैं तो भाई बहुत जरूरी है बातचीत करना। तो बातचीत अगर आप करेंगे तो ही बच्चों में भाषा जो है वो सीखने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। हाँ जी, लास्ट प्रश्न हम देख लेते हैं, 120वां क्या कहता है देखते हैं। हाँ जी, भाषा प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। तो बात की जा रही है प्राथमिक स्तर पर की भाषा सीखने और सिखाने का अर्थ पूछा जा रहा है कि क्या है। वर्णमाला सीखना, भाषा का प्रभावी होना, साहित्य की रचना या आलंकारिक भाषा का प्रयोग, क्या जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है? तो प्राथमिक स्तर की बात हो रही है कि भाषा के लिए सबसे ज्यादा जो है वो जरूरी क्या है। वर्णमाला सीखना, भाषा का प्रभावी होना, साहित्य रचना करना, तो आपके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए? 120 का जो है वो मेरे ख्याल से तो भाषा का प्रभावी जो प्रयोग है वो बहुत जरूरी है। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमने पेपर डिस्कस किया है वो था हमारा पेपर फर्स्ट, यानी पेपर फर्स्ट की ही पेपर फर्स्ट लैंग्वेज जुलाई में जो हुआ था। सो स्टूडेंट्स, आपको मैं अब एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगी कि सावल क्लासेस पिछले 10 साल से आपकी पहचान बना हुआ है और आपके विश्वास पर खरा उतरता रहा है। तो जिसमें आपको जो है वो जिसके लिए जाना जाता है, बैंक, SSC, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, NTA, NET, PSTET, CTET, पंजाब गवर्नमेंट का कोई भी टेस्ट हो, यहाँ पर जो है वो बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करवाई जाती है। मास्टर कैडर ऑनलाइन PSTET कोचिंग जो है वो भी आपको प्रोवाइड। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगी कि आप ही जो है वो हमारे पास जो है ऑनलाइन कोचिंग के बैचेस जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, कुछ एक बैचेस अभी शुरू हो रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी आप इसको ज्वाइन करें, जितनी जल्दी आप ज्वाइन करेंगे इतने में आपका ही फायदा है। तो स्टूडेंट्स, इसमें देरी ना करें किसी भी तरह की, क्योंकि देखिए एक कदम की देरी आपको बहुत पीछे तक लेकर जाती है। तो समय रहते अगर हम किसी काम को करते हैं तो और भी ज्यादा वो बेहतर होता है, अच्छा होता है। तो आप सबसे मैं यही गुजारिश करूंगी, तो आप जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो जुड़े इसमें और अपनी अच्छी और बेहतर तैयारी करें। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए रिगार्डिंग कोचिंग अदर सब्जेक्ट, आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं और आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, आप उससे रिलेटेड आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड और पेड ग्रुप से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपकी स्क्रीन पर जो ये नंबर शो हो रहा है 95517000, 95517000, 93, तो आप जो है इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगी कि आप जो है वो चैनल पर अगर नए थे, आज पहली बार हमारे चैनल को देखा है, पहली बार आपने क्लास को ज्वाइन किया है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्र, आपके सखा, आपके दोस्त जो है जिनका आप हित चाहते हैं तो आप जरूर करें और स्टूडेंट्स उनका भी कल्याण हो सके, उनका भी भला हो सके। तो एक ये कदम आपका आपका फर्ज भी बनता है। सो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि अगला जो हम पेपर डिस्कस करेंगे वो भी हमारा जुलाई का रहेगा, पेपर फर्स्ट की ही लैंग्वेज सेकेंड हम करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके जी, धन्यवाद।